दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज मैं आऊँ नागपुर के दीक्षा भूमि में, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। दोस्तों वैसी तो काफ़ी सारे लोग आज के दिन वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बट आज है 7 फरवरी माता रमाई का जन्मदिन जयंती। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आज बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध और माता रमाई को अभिवादन करने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको माता रमाई से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट है, उनसे भी आपको मिलाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों माता रमाई का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1898 में। माता रमाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो कुली का काम करते थे और उसी काम से अपना घर का पालन पोषण करते थे। दोस्तों माता रमाई के जो पिता है वो बंदरगाह से मछली ढोकर बाजार तक लाते थे और उन्हीं से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दोस्तों माता रमाई के जो माता पिता है, माता रमाई को बहुत ही कम उम्र में छोड़ के चले गए थे। फिर उनके बाद माता रमाई के जो चाचा जी हैं उन्होंने चारों बहन भाइयों को मुंबई में लेके आए और वहाँ पे ही उनका पालन पोषण किया। दोस्तों माता रमाई के 4 बहन भाई थे, यानी 3 बहनें और 1 भाई था। दोस्तों मुंबई के भाई खला में माता रमाई और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विवाह हुआ था। तब माता रमाई की उम्र 9 साल थी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र मात्र 15 साल थी। दोस्तों बाबा साहब प्यार से रमाबाई को रामू करके पुकारा करते थे और रमाबाई प्यार से बाबा साहब को साहेब करके पुकारा करती थी। दोस्तों रमाबाई जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विदेश में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब रमाबाई भारत में अपने सर पे जो गोबर की जो ये नहीं होती है क्या, जो सुखाते हैं, तो उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी और उसी से अपना चूल्हा चलाती थी। दोस्तों भारत के अंदर माता रमाई ने बहुत कष्ट सहा है, पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कभी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उसी चीज़ के लिए माता रमाई बाबा साहेब को प्रेरित करती थी। तो इसी कारण किसी भी चीज़ की भनक तक के बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं लगने दी। दोस्तों बाबा साहेब ने अपने पाकिस्तान वाली जो किताब है, जो वहाँ पर उन्होंने साफ कहा है, अगर माता रमाई नहीं होती तो आज ये छोटा सा भीमा इतने बड़े स्थान पे ना होता। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनसे माता रमाई के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो चलिए हम उनसे मिलते हैं। दोस्तों दीक्षा भूमि में हमें नागपुर के बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर मिले हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर को कट्टर फॉलो करते हैं और उन्हीं का जो प्रसार है काफ़ी तेज़ी से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिए अश्विन गणवीर हमारे साथ में है। नमो बुद्धाय, जय भीम। और इनसे हम जानेंगे, जैसे कि आज 7 फरवरी है, तो रमाबाई के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? सर्वप्रथम आपले सर्वांना मित्रांनो रमाबाई आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। मित्रांनो रमाई आंबेडकर ह्या रमाबाई कशा झाल्या, तर त्यांनी केलेलं कार्य हेच त्यांना सर्वोच्च पदावर घेऊन जात असतं। म्हणून मी एवढंच म्हणेल की बाबासाहेबांपेक्षा रमाबाई हा सर्वात मोठ्या आहेत। जर रमाबाई नसत्या तर बाबासाहेबसुद्धा आपल्याला बघायला मिळाले नसते, कारण मित्रांनो बाबासाहेब परदेशात राहून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलं, मात्र घर संसार रमाबाईंनी भारतात राहून चालवलेला आहे। आणि माझा प्रश्न तुम्हा सर्वांना एवढाच राहील की जर तुम्ही जर रमाबाईंच्या जागेवर असते तर तुम्ही काय केलं असतं? बस दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो इनसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए हम और एक जन को आपको मिला थे जो कि काफ़ी स्पेशल है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदर्भ के सबसे बड़े ब्लॉगर MG ब्लॉग्स, तो उनसे हम थोड़ा जानते हैं। ये भी आज दीक्षा भूमि आए हैं अभिवादन करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आज है 7 फरवरी और आज माता रमाई इनकी जयंती है, इनके बारे में थोड़ा कुछ आप बता सकते हैं दर्शकों को? देखो अभी माता रमाई के बारे में जितना हम बात करें उतना कम है, लेकिन जितना मुझे पता है कि बाबा साहब को जितनी भी हेल्प करी है, हाँ जी, और जो भी बाबा साहब आज हमारे लिए जो बाबा साहब ने किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं माता रमाई का हाथ है। क्योंकि जितना इतिहास मैंने पढ़ा है कि माता रमाई वो क्या बोलते गोबर के उपले बनाती थी और उसको जाके फिर बेचती थी
लोगों के घर के काम करती थी और वहाँ से कुछ पैसे बचाकर बाबा साहब को हेल्प किया करती थी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और बाबा साहब से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे ये चाहिए। कल ही मैंने उनका एक लव लेटर पढ़ा एक्चुअली, और मैंने उसका वीडियो भी बनाया, डाला भी आज ही के दिन मॉर्निंग में मैंने अपलोड किया मैंने उसको। तो उसमें जब वो मैं बना रहा था तो वहाँ पर यही बातें देखने में आई कि बाबा साहब और उनके प्रति जो प्रेम है वो आज के जो कपल से उन्हें सीखना चाहिए कि प्यार क्या होता है। जो बाबा साहब और आई साहब की जो लव स्टोरी है, हाँ जी, तो आज के ज़माने के नव युवक है उन्होंने सीखना चाहिए कि प्यार क्या होता है। तो प्यार अगर देखना होगा तो बाबा साहब और आई साहब, इतना संघर्ष करके आई साहब यहाँ पे अकेली रही, अपने एक बच्चे को लेके, चार बच्चे खोए और एक बच्चे को लेके सरवाइव किया, और बाबा साहब उधर विदेश में पढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने एक भी कंप्लेंट नहीं की कि कभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी उन्हें परेशान नहीं किया। उल्टा इतना सब कुछ काम करके, गोबर के वो उपले बेच कर, पैसे जोड़ कर बाबा साहब को हेल्प करिए उनकी पढ़ाई में, तो ये काबिल तारीफ़ है। तो जितना हम माता रमाई को वंदन नमन करें उतना कम है, जितना उनके बारे में मैं बातें करूँगा उतना कम है। तो वो त्याग मूर्ति है, उन्हें त्याग मूर्ति कहा जाता है। तो उनकी जयंती पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और बस इतना ही भाई, इतना ही कहना चाहूँगा।